यहाँ पे मैंने ये 500 ग्राम ये लौकी ले लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया है, क्लीन कर दिया है। अब इसका हम पहले छिलका निकाल लेंगे। लौकी को मैंने अच्छे से छील लिया है, अब इसे मैं दो टुकड़े में डिवाइड कर ले रही हूँ। उसके बाद इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। लौकी कद्दूकस हो जाने के बाद फिर इसमें लौकी में बहुत सारा पानी होता है, उसे हम निकाल लेंगे। उसे हम हाथ में ऐसे ले लेके इसे हमें निचोड़ते जाना है, अच्छे से हमें निचोड़ना है और उसे अलग एक बाउल में रखते जाएंगे। एक बार लौकी को निचोड़ लेने के बाद पानी, फिर से मैं उसे दोबारा से कर रही हूँ कि उसमें अगर थोड़ा बहुत पानी रह गया हो तो वो भी अच्छे से निकल जाए। दो बार अगर आप कर लेंगे तो बहुत इजीली हमारे कोफ्ते बनेंगे, नहीं तो उसमें पानी रह ही जाता है। देखिए दूसरी बार में भी इतना सारा पानी निकला है, इसलिए हमें दो बार इसे अच्छे से इसमें से पानी निचोड़ लेना है। अब इसको हम पानी को फेंक देंगे और कोफ्ता बना लेंगे। फिर उसमें मैं डाल रही हूँ एक मीडियम साइज की प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, तीन हरी मिर्च इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, हरा धनिया 1/4 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर, ये भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि उसमें हमने हरी मिर्च भी डाली हुई है। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा को मैंने पाउडर बना लिया है, उसे डाल रही हूँ। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे लास्ट में मैं कोफ्ता बनाने के लिए उसमें डाल रही हूँ बेसन, ये मैं पहले 4 चम्मच डाल रही हूँ। उसके बाद हमें लगेगा जबकि बेसन कम है तो हम थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। इसे डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अभी भी मैंने नमक नहीं डाला है, नमक हमें सबसे लास्ट में डालना है जब हम कोफ्ता फ्राई करने जाने लगेंगे, उस टाइम पे डालना है, क्योंकि नमक अभी डाल देंगे तो फिर से उसमें से पानी छूटने लगेगा, तो इसलिए नमक हमें लास्ट में सबसे डालना है। देखिए अभी भी थोड़ा बेसन कम लग रहा है तो यहाँ पे मैं और 2 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। इसे डाल के हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे कोफ्ते का पेस्ट रेडी हो गया है। अब इस टाइम पे इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, ये भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। उसके बाद उसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा पेस्ट हाथ में लेके ऐसे हम कोफ्ता बना के रख लेंगे। कोफ्ता हमारा रेडी हो चुका है, अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। गैस पे कढ़ाई रख के मैंने तेल डाल दिया था, तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। अब उसमें हम कोफ्ता डालेंगे और उसे फ्राई करेंगे। तेल एक बार अच्छे से गर्म हो जाने के बाद फिर हमें फ्लेम को लो कर देना है, मीडियम कर देना है, और एक साथ बहुत सारे कोफ्ते नहीं फ्राई करना है, हमें 3-3 4-4 ही फ्राई करना है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट हो जाने के बाद फिर उसे हम पलट देंगे। हमें कोफ्ते को हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई करने पे
वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से वो कुक हो जाएगा, इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे ही चारों तरफ से इसे फ्राई करना है। देखिए इसमें अच्छा कलर आ रहा है, ऐसे ही इसे हमें 2-3 मिनट तक उलट पलट के फ्राई करना है। अब कोफ्ता हमारा अच्छा फ्राई हो चुका है, इसे मैंने उलट पलट के फ्राई किया है। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा इसमें कलर आ गया है और अच्छे से फ्राई भी हो चुका है। अब इसे हम तेल में से निकाल लेंगे। फ्राई हो चुके हैं, इसे भी मैं तेल में से निकाल लेती हूँ। अब हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं, अब हम ग्रेवी बना लेते हैं, ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने फिर से एक दूसरी कढ़ाई रख दी है, उसमें मैं फिर डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। तेल गर्म हो जाने के बाद फिर उसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरा। जीरा तड़क जाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने एक बड़े प्याज को, बड़े साइज के प्याज को पेस्ट बना लिया है मिक्सी में, उसे डाल रही हूँ। फिर फ्लेम को हमें एकदम लो कर देना है और लो फ्लेम पे ही हमें प्याज को अच्छी तरह से भूनना है। दो मिनट के बाद प्याज अच्छे से भून जाने के बाद फिर उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी डाल के हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। 1 मिनट के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाने के बाद फिर उसमें मैं डाल रही हूँ ये 2 मैंने मीडियम साइज के टमाटर को प्यूरी बना लिया था, उसे मैं इसमें डाल रही हूँ। इसी के साथ उसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तीखा मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल पाउडर जिससे हमारी ग्रेवी में अच्छा कलर आएगा, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। इन सभी को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद फिर इसे हम लो फ्लेम पे मसालों को अच्छे से कुक करेंगे कि इसमें से हमें तेल सरफेस पे आने लगे, तेल छोड़ने लगे, तब तक हमें मसालों को पकाना है। इसे मैं ढक के पका रही हूँ। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं। देखिए मसाले में अच्छा तेल छूटने लगा है, इसे बीच में मैंने एक बार 1-1.5 मिनट के बाद अच्छे से चला दिया था। मसाले अच्छे से पक जाने के बाद फिर मैं इसमें यूज कर रही हूँ 2 चम्मच ये फ्रेश क्रीम, से हमारी ग्रेवी में अच्छा कलर आएगा। इसे भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा कसूरी मेथी जिसे मैंने अच्छे से क्रश करके इसमें डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद लास्ट में डाल रही हूँ मैं नमक, नमक भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। सभी चीजों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें मैं डाल रही हूँ पानी, पानी भी आप आपके जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ml तक पानी डाला है। अब इसे हम उबाल आने तक पकाएंगे। ग्रेवी में देखिए अच्छा उबाल आने लगा है, इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया। मिनट उबाल आ जाने के बाद फिर उसमें हम कोफ्ता को डालेंगे। अब इसमें मैं कोफ्ता डाल रही हूँ। देखिए हमारी ग्रेवी में अच्छा कलर भी आ गया है, इसे हम 2-3 मिनट और कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे कि हमारे कोफ्ते में भी ग्रेवी अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। 2-3 मिनट कुक हो जाने के बाद देखिए लौकी का कोफ्ता
कोफ्ता रेडी है। अब इसे हम अलग प्लेट में सर्व कर लेते हैं और फ्लेम को बंद कर देते हैं। लौकी का कोफ्ता रेडी हो चुका है। इसे मैं ऊपर से थोड़ा हरे धनिया से गार्निश कर दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रेवी कितना टेस्टी दिख रहा है, उतना ही वो खाने में भी टेस्टी है। आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का भी बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।